हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। किसान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि सहित दूध का कार्य भी करते हैं, लेकिन यदि किसानों को उनके बेचे गए दूध का भुगतान न मिले तो उन गरीब किसानों पर क्या बीतेगी, ये बात कोई नहीं सोच रहा है। पिछले करीब 5 माह से दूध उत्पादकों को उनके दूध की कमाई नहीं मिली है। इसी पीड़ा को लेकर आज शील व आसपास के लोग उपायुक्त के दरबार पहुंचे। वह उपायुक्त को ज्ञापन देकर मांग की कि किसानों को दूध का भुगतान करवाया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चली रहे। बाइट कल भी किसानों ने जनमंच में दूध के पैसे न मिलने की समस्या को उठाया था। कल जनमंच में ये मुद्दा उठा था और काफ़ी सारी दुधारू जो सोसाइटी के पास था दुधारू काफ़ी 35-40 लाख रुपए का बकाया इनको देना 3-4 महीने का। कल जनमंच में बात उठी थी, निर्देश दिए गए थे और मेरी अभी अभी RCS शिमला से बात हुई है, क्योंकि इनके चेयरमैन की वो देहावसान पीछे हो गया तो अभी कोई इनका हेड है नहीं है। तो ये है कि मुझे उम्मीद है कि अभी मेरी बात हुई है कि एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाए जल्दी, 1-2 दिन में संभवतः एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हो जाएगा, उसके बाद इनको भुगतान कर दिया जाएगा। MLIS सोलन प्लांट से जुड़े हुए हम जो किसान भाई हैं दूध संग्रहण केंद्र शील से यहाँ आज DC साहब से मिलने आए थे। हमारी जो मांग थी वो ये थी कि पिछले 5 महीनों से जो है हमारी बकाया राशि है जो कि लाखों में इस टाइम पहुँच चुकी है, वो हमें बकाया राशि नहीं मिली है। तो लोग इस टाइम बहुत परेशान हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों का राशन भी इसी दूध के पैसे से चलता है। ये आपसी जो सोसाइटी का आपसी लड़ाई का मामला है, इसमें आम किसान और दूध पैदा करने वाला छोटा किसान पिसता जा रहा है। मेरे को बहुत ज़रूरी पैसे की, मेरा बेटा हार्ट का मरीज है और मेरे को बहुत पैसे की ज़रूरत है समझे, और हमारे पास अब जल्द से जल्द मिलना चाहिए। शिमले से दवाई लेते हम। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह।